महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले रवि राणा को बड़ा झटका लगा है। उनके सबसे विश्वासपात्र कार्यकर्ता और युवा स्वाभिमान पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जीतू दुधाने ने प्रहार जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया है। इस कदम से अमरावती की राजनीति में हलचल मच गई है। अचलपुर में प्रहार पार्टी के प्रमुख बच्चू कड़ू की उपस्थिति में जीतू दुधाने ने प्रहार पार्टी में प्रवेश किया। दो दिन पहले ही उन्होंने रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के पीछे उन्होंने पार्टी में घुटन होने की बात कही थी। जीतू दुधाने ने बिना नाम लिए रवि राणा पर तिखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने के बाद रवि राणा ने उनसे बात तक नहीं की। उन्होंने रवि राणा को कच्चा कान का नेता कहकर उनकी आलोचना की। दुधाने ने आगे कहा कि उन्हें अपनी जान पर खतरा है और यदि उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए पुलिस और राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। जीतू दुधाने का प्रहार पार्टी में शामिल होना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रवि राणा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब यह देखना होगा कि यह सियासी समीकरण आगामी चुनाव में क्या रंग दिखाते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।